हेलो कैसे हो सबके साथ। तो आप सब बच्चे होंगे तो आदमी फिर से आता आपके सामने एक नए वीडियो देखे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्रज क्रामर रेसिंग अवतार। तो आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के बारे में। वैसे हम रोज ही माइनक्राफ्ट के बारे में ही बात करते हैं, ये बात आप सभी को पता होगी, और नहीं पता तो मैंने अभी बता दिया। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मजेदार होने वाला है। अगर आपने आज के वीडियो को पूरा नहीं देखा ना तो आप बहुत कुछ मिस करोगे माइनक्राफ्ट के बारे में ना, और कुछ ऐसा मिस कर दोगे कि यार छोड़ो भाई उसके बारे में ना आप बहुत कुछ मिस करोगे। तो भाई आज का वीडियो, वैसे आप सबने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा आज के वीडियो का, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। तो भाई आज का वीडियो होने वाला है जो अचीवमेंट्स होती है ना, अचीवमेंट्स वो क्या होती है माइनक्राफ्ट में, और आप अचीवमेंट्स कैसे ले सकते हो, मतलब अनलॉक अचीवमेंट्स आप कैसे कर सकते हो। भाई ये कोई इलीगल या फिर क्रैक किया हुआ या फिर चीट नहीं है, मैं आपको वैसे ओरिजिनल तरीका बताने वाला हूँ आज के वीडियो में, फिर उसकी मदद से आप अचीवमेंट्स कैसे ले सकते हो। ओके, तो ये कुछ ऐसा होने वाला, आप इस तरह समझ सकते हो। तो भाई शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखो अचीवमेंट्स क्या होती है भाई, अचीवमेंट्स यानी आपको अचीवमेंट्स अर्न करनी होती है। जैसे कोई प्राइस ऐसे समझ लो यार ना, आप अचीवमेंट्स को अचीव, किसी भी चीज़ को अचीव करना ना अचीवमेंट्स हो सकता है। ओके, तो भाई ये माइनक्राफ्ट में ना काफ़ी सारी अचीवमेंट्स होती है, आपको ना उनको अनलॉक करना होता है। आप सोच रहे हो भाई अचीवमेंट्स को अनलॉक करने से क्या होगा, तो भाई माइनक्राफ्ट में अचीवमेंट्स को अनलॉक करने से आप सबको माइन कॉइन मिलते हैं। ओके, माइन कॉइन आप सब जानते हो, माइन कॉइन होते हैं भाई माइनक्राफ्ट में ना। माइन कॉइन माइनक्राफ्ट की मनी है। वैसे आप पैसे देकर भी माइनक्राफ्ट में कुछ खरीद सकते हो, लेकिन उन पैसों से भी आपको माइन कॉइन ही सबसे पहले परचेस करने होते हैं, फिर कोई भी चीज़ आप माइनक्राफ्ट में परचेस कर सकते हो। ओके, तो भाई आपको अगर आप अचीवमेंट्स अर्न करते हो तो आपको ना माइन कॉइन्स मिलेंगे। आप ना माइनक्राफ्ट में से मैप डाउनलोड कर सकते हो, कोई टेक्सचर पैक, शैडर पैक, जो भी आपको डाउनलोड करना है ना स्किन, आप कर सकते हो अगर आपके पास माइन कॉइन है। तो भाई अचीवमेंट यही काम आती है, तो और कुछ काम आती नहीं अचीवमेंट्स। तो भाई आज के वीडियो में ये बताऊंगा आप अचीवमेंट्स किस तरह से अनलॉक कर सकते हो। भाई देखो काफ़ी लोग है ना माइनक्राफ्ट प्ले करते हैं, और मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं भाई कि अचीवमेंट्स को कैसे अनलॉक कर सकते हैं हम, ये बता दो। तो भाई ये आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो देखो अचीवमेंट्स होती है, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब अचीवमेंट्स मिलती कैसे है इसके बारे में बात करते भाई, वो उसको चालू कैसे करना है फिर ऑन कैसे करना है वो लास्ट में बात करूँगा मैं, क्योंकि सबसे पहले इनके बारे में बात करना ज़रूरी है। देखो भाई अचीवमेंट्स मिलती कैसे, अचीवमेंट्स आपको मिलती है माइनक्राफ्ट में ना। अचीवमेंट्स लेने के लिए आपने माइनक्राफ्ट वालों, मोजोंग वालों ने एक तरीका निकाला, ये तरीका आपको सर्वाइवल प्ले करना होता है। आपको ना अचीवमेंट्स लेने के लिए सर्वाइवल प्ले करना होता है। अगर आप सर्वाइवल प्ले करते हो ना तभी आपको अचीवमेंट्स मिलेगी। तो मैं देखो अब मैं होम स्क्रीन पे जा रहा हूँ ताकि आप सभी को दिखा सकूँ कि अचीवमेंट्स कैसे होती है, मतलब क्या क्या अचीवमेंट्स के अंदर होता है, ताकि आप सब देख सको। देखो भाई मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, आप सब देख सकते हो। यहाँ पर आपको प्रोफाइल में जाना है, देखो आप राइट साइड में नीचे देखो प्रोफाइल, आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है भाई, देखो अचीवमेंट्स ये रही, देखो आप सभी देख सकते हो ये रही। तो भाई देखो ये है गेमर स्कोर मेरा इतना है, अचीवमेंट्स मैंने है ना भाई 111 अचीवमेंट्स है ना, उनमें से 17 अचीवमेंट्स अभी तक मैं अनलॉक कर चुका हूँ। देखो 15% अचीवमेंट्स मेरी अनलॉक हुई है। तो भाई देखो ये अचीवमेंट्स है, देखो भाई यहाँ से टाइम टू फार्म, जैसे मोर टूल्स, डायमंड्स, डायमंड टू यू, इनके बाद इनके ऊपर मत जाओ कि ये क्या है। देखो बहुत सारी है, देखो इन सबको अगर आप पूरी को अनलॉक करते हो ना, देखो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप अगर ऐसे सोच रहे हो आपने एक अचीवमेंट अनलॉक कर ली और आपको माइन कॉइन मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलता भाई। देखो माइन कॉइन ये रहे, देखो नीचे आप सब देख सकते हो, मैं अपना इस तरह से डाउनलोड कर सकते हो आप। तो आप कहीं ऐसा सोच रहे हो भाई कि एक अचीवमेंट्स मैंने अनलॉक कर दी अब मेरे को माइन कॉइन मिल जाए, यार ऐसे नहीं मिलता यार। आपको ना पूरी की पूरी अचीवमेंट्स अनलॉक करनी है, फिर आप सभी को माइन कॉइन मिलता है। तो भाई देखो माइन कॉइन मिलता कैसा है ये बारे में मैंने बता दिया, माइन कॉइन का यूज़ भी क्या है। तो भाई अचीवमेंट्स मिलती कैसे, अचीवमेंट्स मिलेगी आपको सर्वाइवल प्ले करने से। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे प्ले में जाना है ना, सबसे पहले आपको यहाँ से वर्ल्ड को क्रिएट करना है। देखो यहाँ पे आप जो भी चाहो ना वो वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हो, वैसे ये तो बंद है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट न्यू वर्ल्ड। ओके, इसके बाद आप अपने वर्ल्ड का कोई भी नाम दे सकते हो, आपको जो अच्छा लगे कुछ भी दे सकते हो। इसके अलावा देखो डिफ़ॉल्ट गेम मोड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। अगर आप इसके साथ अगर छेड़खानी कर दोगे ना फिर आपको अचीवमेंट्स नहीं मिलने वाली। देखो यहाँ पर अभी लिखा है सर्वाइवल, देख सकते हो आप। देखो यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है क्रिएटिव, यहाँ पर जैसे मैं क्रिएटिव पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर लिखा रहा है देखो टर्न ऑफ अचीवमेंट्स। अगर आप इस वाले मैप को या फिर इस वाले वर्ल्ड को क्रिएटिव में कर दोगे ना फिर आपकी अचीवमेंट्स है ना
टर्न ऑफ हो जाती है, वो ऑफ हो जाती है, उसके बाद आप अचीवमेंट्स नहीं ले सकते। तो भाई अचीवमेंट्स अगर आपको लेना है ना, तो आपको सर्वाइवल प्ले करना है बिना किसी चीटिंग के, आपको चीट्स ऑन नहीं करना है। इसका मतलब यह है कि यहाँ से मैं बैक जा रहा हूँ क्योंकि मैंने ना काफ़ी कुछ करके रखा है। ओके, तो भाई इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें माइनक्राफ्ट में, उसके बदौलत या फिर उसकी वजह से आप सभी को अचीवमेंट्स मिलने वाली है, तो मैं सबके बारे में बात करने वाला हूँ। तो भाई देखो, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ भाई, आपको ना अचीवमेंट्स तभी मिलेगी जब आप ऑनलाइन प्ले करोगे। ऑनलाइन मतलब ऐसे मल्टीप्लेयर की बात नहीं कर रहा मैं, आपको ऑनलाइन प्ले करना है। देखो मतलब ऐसे ना, आप सभी मेरे समझ सकते हो कि आपको अपने मोबाइल डाटा पर वाईफाई को ऑन करके ही माइनक्राफ्ट को प्ले करना है, जो भी आप सर्वाइवल मैप प्ले कर रहे हो। सर्वाइवल मैप प्ले करना है, चीट्स ऑन नहीं करनी है, क्रिएटिव नहीं करना है मैप को, और मोबाइल डाटा फिर आपकी वाईफाई ऑन होनी चाहिए। अगर आप ऑफलाइन प्ले करोगे तो भाई अचीवमेंट्स नहीं मिलने वाली, आपको ऑनलाइन ही प्ले करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो भाई देखो, अब काफ़ी लोग ये सोच रहे भाई मेरे पास वाईफाई नहीं है, मैं मोबाइल डाटा से कैसे प्ले कर सकता हूँ माइनक्राफ्ट। तो भाई इजी है बिल्कुल, आपको यहाँ से सेटिंग में जाना है, देखो ना, इसके बाद आपको जाना है यहाँ से नीचे प्रोफाइल में। अब देखो यहाँ पर देखो ये ऑप्शन रहा यूज सेलुलर डाटा, ये सेलुलर डाटा है ना, आपको यहाँ से इसको ऑन कर देना है, फिर आप ना बिना वाईफाई या फिर मोबाइल डाटा के प्ले कर सकते हो। हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है भाई, यहाँ पर ध्यान से सुनना हमारी बात है ना। तो भाई माइनक्राफ्ट में ना आप साइन इन कर नहीं करोगे ना, तो आप अचीवमेंट्स ले ही नहीं सकते। आपको साइन इन करना पड़ता है माइनक्राफ्ट में, तभी आप अचीवमेंट्स को ले सकते हो। इसके मतलब इसके अलावा आप है ना अचीवमेंट्स नहीं ले सकते अगर आपने साइन इन नहीं कर रखा। तो भाई साइन इन कैसे करना है, बात आती है साइन इन कैसे करना है। तो साइन इन के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना के रखा है, उस वाले वीडियो को ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप राइट साइड में ऊपर देखिए वहाँ पर लिंक है, तो वहाँ से ना आप उसको डाउनलोड देख सकते हो वीडियो को। ओके, तो भाई अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको ना, मतलब आप साइन इन करने के अलावा माइनक्राफ्ट में क्या क्या होता है। देखो भाई इसके अलावा आपको एक और चीज़ चाहिए उसके होता है, मतलब आखिरी में मैं कुल मिला के 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। हाँ भाई, लास्ट में बताऊँगा कि आपको क्या क्या चाहिए होता है, वैसे अभी तो मैं सारी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको एक्सबॉक्स चाहिए। अभी भाई काफ़ी लोग सोच रहे हैं ये क्या नहीं आ गया, एक्सबॉक्स माइनक्राफ्ट में साइन इन करने के लिए एक्सबॉक्स लगता है। आप डायरेक्ट एपीके से माइनक्राफ्ट में साइन इन नहीं कर सकते, ये बहुत ही अलग चीज़ है। आप डायरेक्ट एपीके से माइनक्राफ्ट में साइन इन नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक्सबॉक्स चाहिए। तो भाई एक्सबॉक्स कैसे डाउनलोड होगा, एक्सबॉक्स डाउनलोड करने के लिए आपको सीधा जाना है प्ले स्टोर पे। देखो जैसे आप प्ले स्टोर पे जाएंगे ना, यहाँ पर आप आ चुके हो, अब यहाँ पर आपको सर्च करना है। देखो यहाँ पर सर्च करना है एक्सबॉक्स, इस तरह से आपको ओनली एक्सबॉक्स लिख के सर्च कर देना है। जैसे आप एक्सबॉक्स लिखते हो यहाँ पे काफ़ी सारे आते हैं, देखो एक्सबॉक्स आपको सबसे पहला आता है ना, इसको ओपन कर लेना। देखो ये रहा एक्सबॉक्स, एक्सबॉक्स कॉर्पोरेशन, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है आपका एक्सबॉक्स वाला। तो देखो यहाँ से आपको इसको डाउनलोड करके रखा है, करके रखना है, तो मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ से मैं ओपन करता हूँ इसको। देखो भाई यहाँ से मेरा एक्सबॉक्स है ना वो ओपन हो चुका है। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, एक्सबॉक्स जैसे आप ओपन करते हो आपको एक्सबॉक्स में साइन इन करना होता है। आप साइन अप कर सकते हो, साइन इन भी कर सकते हो। अगर आपने एक्सबॉक्स का कोई अकाउंट नहीं बना के रखा तो एक्सबॉक्स का अकाउंट आप बना सकते हो, बिल्कुल इजी होता है। अगर आपको एक्सबॉक्स का अकाउंट बनाना नहीं आता तो मेरे को नीचे कमेंट में जरूर बताना, फिर मैं एक्सबॉक्स का अकाउंट कैसे बनाते हैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ओके, तो देखो एक्सबॉक्स में भी आप अपने अचीवमेंट चेक कर सकते हो। देखो आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, 3 लाइन के ऊपर, और यहाँ पे जाना है आपको अपनी प्रोफाइल पे जाना है। देखो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, ये मेरी प्रोफाइल है रेसिंग का, आप भी मेरे को फॉलो कर जरूर कर लेना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे जाना, ये रही मेरी अचीवमेंट्स, यहाँ पे मेरा स्कोर सब कुछ दिखाता है। देखो ये लीडर बोर्ड, यहाँ पे लीडर बोर्ड भी चलता रहता है, अपने फ्रेंड्स में सबसे ज्यादा स्कोर कौन कर रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना, वो इसमें चलती रहती है। तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, और यहाँ पर आप वॉइस चैट कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, माइनक्राफ्ट में वॉइस चैट करके आप प्ले कर सकते हो। देखो ये देखो स्कोर बोर्ड चलता रहता है, और यहाँ पर भी आपकी अचीवमेंट्स दिखाता है कि आपने कब प्ले किया, कितना प्ले किया, क्या क्या प्ले किया, कितने मॉन्स्टर्स मारे, कितने डिस्टेंस तक आपने ट्रैवल किया है, ब्लॉक्स कितने ब्लॉक ब्रेक किया है, टाइम प्लेट कितने टाइम तक आपने प्ले किया है माइनक्राफ्ट को, ये सब यहाँ पर बताया जाता है, क्योंकि ये एक्सबॉक्स है, आप एक्सबॉक्स से साइन इन करने के बाद आप प्ले कर सकते हो। ओके, तो देखो ये सब इस तरह से होता है, आप यहाँ सब कुछ देख सकते हो अपने, और ये मेरा मेरी प्रोफाइल है एक्सबॉक्स की। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखो लास्ट में मैं आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट के, अब मैं तो मैं माइनक्राफ्ट के लास्ट में आ चुका हूँ। अब देखो मैं आप सभी को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, उसके बाद ही आप है ना आप इन सब 5 पॉइंट्स या फिर 6 पॉइंट्स जितने भी होने वाले हैं या फिर 4 पॉइंट्स, आप इनकी मदद से है ना आप पूरी चीज़ को समझ सकते हो। देखो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, आपको माइनक्राफ्ट को डाउनलोड करना है। ओके, आपको माइनक्राफ्ट डाउनलोड करना है। माइनक्राफ्ट डाउनलोड कैसे करना है, जिसके पास नहीं है वो मेरा काफ़ी सारे वीडियोज़ है, जो साइन इन वाला वीडियो है ना उसको देख लेना, उसमें भी आप सभी को मैंने लिंक दिया फ्री में माइनक्राफ्ट को डाउनलोड करने का, फ्री में माइनक्राफ्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो भाई और सेकंड बात आती है अब हमारी, माइनक्राफ्ट को डाउनलोड करना है, उसके साथ आपको डाउनलोड करना है एक्सबॉक्स।
एक्सबॉक्स एक ऐप है जो मैंने अभी दिखाया आप सभी को, उसको आप सभी को डाउनलोड कर लेना है और उसके अंदर आपको साइन इन कर लेना है या फिर साइन अप कर सकते हो आप जो भी आपको करना है। अगर आपने पहले से अकाउंट बना के रखा है तो आप साइन इन कीजिए, अगर आप न्यू बना रहे हो तो न्यू क्रिएट अकाउंट कीजिए, साइन अप करिए। ओके, फिर आपको ना उसके बाद माइनक्राफ्ट ओपन करना है और माइनक्राफ्ट ओपन करने के बाद आपको साइन इन करना है। अब आप सोच रहे हैं भाई ये क्या बोल रहा है तू, तो भाई इन सब के ऊपर मैंने वीडियोस बना के रखे हैं, आप देख रहे ना। मैं अभी नहीं यहाँ पे बताने वाला हूँ नहीं, क्योंकि ये हमारा वीडियोस अचीवमेंट्स होने वाला है, साइन इन पे नहीं होने वाला। ओके, तो उसके बाद आप सभी को साइन इन कर लेना है माइनक्राफ्ट में। उस नीचे जो लेफ्ट साइड में एक बटन होता है उस पर क्लिक करके आप एक्सबॉक्स से आराम से साइन इन कर सकते हो। आपको करना कुछ नहीं, जिस ईमेल से आपने एक्सबॉक्स की आईडी बनाई है, मतलब अकाउंट बनाया है, उसको बस कुछ भी नहीं करना, आपको उसको उसमें डाल देना है, माइनक्राफ्ट में डाल देना, फिर आपको साइन इन हो जाएगा। इस तरह से सब कुछ है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक सर्वाइवल वर्ल्ड बनाना है। आप पुराने से भी प्ले कर सकते हो लेकिन आपको न्यू वर्ल्ड बनाना चाहिए, मैं ऐसे मानता हूँ। न्यू वर्ल्ड बनाना है और उसको क्रिएटिव में नहीं करना है, उसको चीट्स नहीं करनी है, मतलब उसमें चीट्स ऑन नहीं करनी है। ओके, और आपको ना अपना मोबाइल डाटा ना उसको ऑन रखना है, आपको ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन प्ले करना है। मैं मल्टीप्लेयर की बात नहीं कर रहा, ऑनलाइन मतलब आपको मोबाइल डाटा को ऑन रखना है जब भी आप माइनक्राफ्ट को प्ले करो, सर्वाइवल को, उस सर्वाइवल वर्ल्ड को। और तो आप इसमें अचीवमेंट्स नहीं मिल रही, उसको तो आप ऑफलाइन भी प्ले कर सकते हो, कुछ इस तरह से सारा मैटर है। तो उसके बाद आप सभी को मिलेगी अचीवमेंट्स, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे आप सभी को अचीवमेंट दिखती है। आप एक्सबॉक्स में भी देख सकते हो, जो मैंने अभी दिखाया आप सभी को अचीवमेंट्स एक्सबॉक्स में कहाँ पे दिखती है, और माइनक्राफ्ट में अचीवमेंट्स यहाँ पर दिखती है। देखो भाई, ये आप प्रोफाइल में जाना, इस वाले अचीवमेंट्स में आना, यहाँ पर आपको सारी अचीवमेंट दिख जाएगी, आपने कौन कौन सी अचीवमेंट्स ऑन कर ली है। ऐसे आपको माइन कॉइंस नहीं मिलने वाले भाई, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने काफ़ी कुछ अच्छी तरह से आपसे को समझाने की कोशिश की अचीवमेंट्स के बारे में, और फिर भी कोई किसी का कोई डाउट रह गया ना तो मेरे को कमेंट में जरूर उस डाउट को बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कमेंट्स में ही उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो यहाँ तक हमारा वीडियो आज का था और आज के वीडियो को हम यहीं तक रहेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो माइनक्राफ्ट से रिलेटेड, तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, तो भाई आज के वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। अगर आप ऐसे ही और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यार मैं मिलूंगा आपको माइनक्राफ्ट यार किसी और गेम के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।